बस अब कोई दलील नहीं चलेगी, रहम करो अहमर पर। प्लीज अंबर। बस परसों। सीनू को तो ठीक हो लेने दो। सीनू ना भी आई ना तो कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं इतला कर दूंगी जारा को भी और जीनू को भी। मगर अंबर इतनी जल्दी सब कुछ कैसे होगा? कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है। ताहिरा के नाम पे की जाए, मतलब सिर्फ यही प्रॉपर्टीज नहीं बल्कि मेरी तमाम जायदाद और जितने भी एसेट्स हैं। ठीक है, बात समझ में आ गई आपको? हामिद साहब आप एक बार फिर सोच लें, मेरा मतलब है कि आप अपनी सारी प्रॉपर्टी। वकील साहब बहुत बहुत शुक्रिया लेकिन मैं सोच चुका हूं, जो मेरा हुक्म है वैसा ही होना चाहिए। इस फाइल को फॉरेन कोर्ट में दर्ज कराइए क्योंकि आज के बाद मेरे तमाम एसेट्स और सारी जायदाद ताहिरा के नाम होनी चाहिए। बात समझ में आई? जी जी सर, जैसे आपकी मर्जी, मैं ये सुबह ही रजिस्टर करवा देता हूं। गुड, अब आप जा सकते हैं। ओके सर, अल्लाह हाफिज। ताहिरा चलो ये काम तो हो गया, पर मेरा क्या? मैं यहां से निकलूं कैसे? इस मुल्क को कैसे छोड़ूं? सिर्फ छोड़ो ना हामिद, कम से कम एक हफ्ता घर से निकलने का सोचो भी नहीं। ये बड़ा अजीब मशवरा है। अरे मेरे जैसे लोग फरार होते हैं, उल्टा तुम घर में बैठने को कह रही हो। इसलिए कि यहाँ पे मैं हूँ तुम्हारी तरफ बढ़ते हुए तूफानों का रुख मोड़ देने वाली। लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है ताहिरा, बाकी घबराहट महसूस कर रहा हूँ। कहा ना तुम्हें, मेरे होते हुए तुम्हें घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सुबह भी उस इंस्पेक्टर को पागल बना दिया था, सुना है बहुत ही खतरनाक इंस्पेक्टर है। गीदर बन कर गया यहाँ से, तुम्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मैं खाना लग पाती हूँ। हाय आंटी, कितना मजा आने वाला है। और हाँ, मैंने तो खूब हल्ला गुल्ला करना है। दिमाग ठीक है तुम्हारा? लोग क्या कहेंगे, दो बच्चों की माँ हूँ मैं। पागल सबा, ये देखो ये कल पहनना है तुमने नमाज के बाद। इतना भड़कीला जोड़ा, कल तुम्हारी इद्दत खत्म हो रही है ना, तो बस यही पहनना है तुमने। इसी दिन के लिए मैंने बनवा के रख लिया था पहले से। मामा कल मेहंदी भी कर लेते हैं, और हाँ आंटी को माए भी बिठाएंगे। एक लगा दूंगी अब मैं तुम्हें, चुप करो। क्यों नहीं, जरूर करेंगे। अंबर तुम भी ना बच्चों के साथ बच्ची बन रही हो। प्लीज आंटी, कोई तो शौक पूरा कर लेने दे, वैसे भी हम चले जाएंगे। तू बाप प्लीज। सबा माइयों मेहंदी जरूर होगी, समझी? मामा आप जीनू और जारा को भी कॉल कर दें ताकि वो कल ही आ जाए। जारा को तो मैंने फोन कर दिया है, जीनू को भी कर देती हूँ, मैं फोन करके आती हूँ। हाँ ओ वाओ, इतनी जल्दी? चलो मैं सुबह ही जीनू को भेज दूंगी, बल्कि खुद सबा के लिए गिफ्ट लेकर आऊंगी। नहीं नहीं कहाँ, बाबर तो अभी सही तरह से वॉक भी नहीं कर पा रहा। चलो तुमसे होती है मुलाकात। ओके, खुदा हाफिज़।
हाँ जीनू, बाबर सो गया? पता नहीं। खाना खाया बाबर ने? मैंने नहीं खाया और बहुत भूख लग रही है मुझे। बबली कहाँ है? बबली जा चुकी है। तुम्हें अब खुद खाना निकालना होगा, अपने लिए भी और बाबर के लिए भी। ठीक है, मैं किचन में खा लूंगी, बाबर के लिए आप खुद ही ले जाइएगा। जीनू बस कर दो ये जिद। बाबर तुम्हारा शोहर है। इतने बद किरदार इंसान की बीवी होना ही मेरे लिए बायस शर्मिंदगी है। तुम्हारी मामा की इद्दत खत्म हो रही है और परसों सबा और अहमद का निकाह है। जी जाओ खाना खा लो। सबा जैसी माओं की बेटियां खाक अपने शोहरों की इज्जत करेंगी। कमाल करते हो वैसे, बीवी से खाना तक नहीं मांग सकते, अभी तक भूखे बैठे हो। खाना खाओ। मामी जीनिया मुसीबत बन गई मेरे लिए। तो इसे बर्दाश्त करो, अगर अहमद को पता चल गया ना तो हम लोगों को निकाल के रोड पे खड़ा कर देगा। और वैसे भी परसों अहमद जीनिया का बाप बनने जा रहा है। What? हाँ, परसों निकाह है अहमद का, उसके बाद मेरी तरफ से तुम्हें पूरी छूट होगी। तुम जीनिया के साथ जो चाहो सलूक करो। क्यों, परसों के बाद शिकायत नहीं करेगी वो अपने बाप से? मुझे फर्क नहीं पड़ता कि अहमद किस तरीके से रिएक्ट करेगा, लेकिन सबा की जिंदगी में जरूर जहर घुल जाएगा अपनी बेटी को रोता हुआ देखकर। समझ गए ना मेरी बात? ये क्या हरकत है? कौन सी हरकत? तकिया लेकर कहाँ जा रही? लाउंज में जा रही हूँ सोने के लिए। इधर बैठो, बात करनी है मैंने। मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी, नींद आ रही है मुझे। यहाँ सो सकती हो बेड पर मेरे साथ, कहाँ नहीं जाऊंगा तुम, ये बाहर आ जाऊं लाउंज में। एक बार फिर से मुझे मजबूर मत करो अपना दिफा करने के लिए। दिफा? कैसा दिफा? अब तो किसी किस्म के दिफा की जरूरत नहीं है तुम्हें। खैर, मुबारकबाद देनी थी मैंने तुम्हें, परसों तुम्हारी मामा की शादी। पता है मुझे। खुश हो? हाँ बहुत खुश हूँ। होना भी चाहिए, अहमद अंकल ने इतनी कुर्बानियां दी हैं तुम्हारी मामा को हासिल करने के लिए। नहीं मत भूलो, अहमद अंकल अब भी दरेग नहीं करेंगे बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने के लिए मेरे लिए। सो जा। Mm-hmm.
हेलो हेलो, किंग ऑफ जंगल शेर खान साहब, जंगल क्वीन बात कर रही हूँ। ओहो, तो इसका मतलब यह है कि क्वीन ने किंग को पुकारा है। हाँ, आ जाओ। तुम्हारा शिकार मेरे पंजों में बेखबर सो रहा है। कौन? हामिद मलिक? यस, घर का गेट खोल रही है, अपना घर समझ कर चले आना। थैंक यू सो मच चनमन। अब बोलो, शैतान तुमसे पनाह मांगता है या मुझसे? इंतजार कर रही हूँ तुम्हारा। बाय। ताहिरा? क्या है हामिद, सोने दो ना। अरे उठो भाई, शायद घर में कोई घुसा है। क्या है हामिद, कोई नहीं है, सो जाओ ना, मेरी भी नींद खराब कर दी तुमने। अच्छा जास। अरे कौन है? पुलिस। आप लोग यहाँ घर में क्यों घुसाए और यहाँ बेडरूम में क्या कर रहे हैं? नाम है मेरा शेर खान, पनाह मांगता है मुझसे शैतान। तुम्हारी गिरफ्तारी का वारंट है हमारे पास। गिरफ्तारी का? तुम ही समझाओ ना कुछ। खुदा के लिए, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते, मेरे शौहर है, बेगुनाह है, मासूम है ये। चुप करो, जो कुछ बोलना है अदालत में चल के बोलना। हामिद, आप इन्हें नहीं लेके जा सकते ऐसे, इन्होंने कुछ भी नहीं किया है। वारंट है इनकी गिरफ्तारी के हमारे पास, इस कौम मुल्क को लूटने वाले। चलो। नहीं नहीं। अब तो खुश होना मेरी जान। बहुत ज्यादा। तो फिर कल रात का डिनर मेरी तरफ से, 8 बजे तैयार रहना, लेने आऊंगा। श्योर। बाय। हाय हाय हामिद साहब, आप तो गए काम से। या अल्लाह, मेरी मजबूरी मुझे जिंदगी के इम्तिहान में डालने जा रही है, मुझे सुरखुरू करना। मेरे मालिक, मुझे मेरी बेटियों के लिए शर्मिंदगी ना बनने देना। सबा अंबर, थैंक यू अंबर, तुम नहीं होती ना, मैं तो मर चुकी होती। पगली, नई जिंदगी जीने जा रही हो तो ये मरने की बातें क्यों कर रही हो तुम? बहुत, मुझे बहुत डर लग रहा। अब किस बात का डर? मुझे डर है कहीं मेरी बेटियों पे बुरा असर ना पड़े। अब कुछ मत सोचो, कुछ नहीं होगा, दोनों बहुत खुश थे,
अब उठो, ये रोना बंद करो, तैयार हो जाओ और अपनी जिंदगी में नए रंग भरो। उठो शाबाश। हेलो वकील साहब, क्या आप कोर्ट के लिए निकल गए? आपको कागजात और अथॉरिटी लेटर मिल गए? वाओ, थैंक यू वकील साहब। लेकिन वकील साहब, आपके लिए मेरे पास एक बुरी खबर है। कल रात को हामिद को कौमी एहतसाब ब्यूरो वालों ने अरेस्ट कर लिया है। अब आप जल्दी से कागजात लेकर मेरे पास आ जाएं। ये ना हम किसी बड़ी मुश्किल में पड़ जाएं। जी, थैंक यू सो मच। अरे हाँ, आप तो जल्दी कोर्ट चले गए होंगे और आपने तो नाश्ता भी नहीं किया होगा। आप आ जाएं, मैं नाश्ते पर आपका इंतज़ार कर रही हूँ। जल्दी आइएगा, बहुत भूख लग रही है। बाय।